दोस्तों आपकी पर्सनालिटी वो मैग्नेट है जो सफलता को अट्रैक्ट करती है, सफलता को आपके लिए आकर्षित करती है, और ये वो चाबी है, वो कुंजी है जो सक्सेस के रास्ते, उसके दरवाजे आपके लिए ओपन कर देती है, खोल देती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हो, एक ज़बरदस्त एक शानदार पर्सनालिटी के मालिक बने आप, और आप भी वो सब कुछ हासिल कर पाएं जिसे हासिल करने का आप ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी कैसे बनाई जा सकती है, क्या क्या ट्रेट्स आपके अंदर होने चाहिए, क्या क्या खूबियाँ आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी जिससे आप एक शानदार पर्सनालिटी के मालिक बन पाएं। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिएगा और उसे इम्प्लीमेंट भी करना शुरू कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहला जो ट्रेट होता है आपकी पर्सनालिटी को निखारने वाला, वो ट्रेट है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है इस बात पर निर्भर करती है आपकी सफलता, आपकी पर्सनालिटी। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है, तो यकीनन आपकी पर्सनालिटी भी शानदार होगी और आप सक्सेस को अट्रैक्ट कर पाएंगे, ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल पुअर है, अच्छी नहीं है, तो शायद आप सफलता को उस अनुपात में अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे जिस अनुपात में आप उसे अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कम्युनिकेशन को अच्छा कैसे करें। देखिए कम्युनिकेशन को अच्छा करने का मतलब है कि गुड लिसनर बन जाइए। जी हाँ, गुड लिसनर बन जाइए। एक शब्द ना बोलिए किसी कन्वर्सेशन में, लोग कहेंगे कि आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेशन एक्सपर्ट पर्सन हैं। तो दोस्तों अगर आप सिर्फ गुड लिसनर बन जाते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं, पूरी तरह से उस पर ध्यान देते हैं, तवज्जो देते हैं, उन्हें बीच में टोकते हैं, उनकी बात को काटते नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं करते, तो आप एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट माने जाएंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ आपको समझनी वो ये समझनी है कि आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना है और आपको गुड लिसनर बनना है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है वो है लीडरशिप एबिलिटीज़। आपको अपने अंदर लीडरशिप स्किल, लीडरशिप एबिलिटीज़, लीडरशिप ट्रेट, लीडरशिप वर्चू, लीडरशिप करेक्टरिस्टिक डेवलप करनी होगी अगर आप एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। देखिए लीडरशिप में तो कम्युनिकेशन भी कवर होता है, तो अगर आप एक लीडरशिप स्किल अपने अंदर डेवलप करते हैं तो यकीन जानिए कि आप एक शानदार पर्सनालिटी के मालिक बनेंगे। अब लीडरशिप स्किल क्या होती है? लीडरशिप स्किल एक कम्युनिकेशन स्किल का होना भी लीडरशिप स्किल है। देखिए मैं थर्ड पॉइंट पे तुरंत जाऊंगा, एम्पैथी। एम्पैथी होना एक आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगा देता है, आपको कई स्टेप आगे बढ़ा देता है। तो एम्पैथी का क्या मतलब होता है? एम्पैथी का मतलब होता है कि गेट इन टू द शू ऑफ अदर्स। दूसरे किस तरह से दुनिया को देखते हैं, किस नज़रिए से दुनिया को देखते हैं और समझते हैं, बिल्कुल ठीक वही नज़रिए तक आप पहुँच जाइए। आप ये महसूस कर पाइए कि दूसरे लोग इस दुनिया को अपने नज़रिए से देख रहे हैं और वो नज़रिया वहाँ तक आप पहुँच जाइए, अपनी मैचिंग वहाँ पर आप कर लीजिए। मतलब उसी की नज़र से आप भी दुनिया देख रहे हो, उसके परसेप्शन तक आप पहुँच चुके हों, तो इसे कहते हैं एम्पैथी। लीडरशिप पे आते हैं वापस। अब एम्पैथी अगर आप विकसित करते हैं तो ये भी लीडरशिप का एक बहुत बड़ा करैक्टरिस्टिक है। तो जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन और एम्पैथी वहाँ पर कवर हो जाती है, और लीडरशिप कवर करता है आपकी लोगों को सर्व करने की भावना, लोगों को गाइड करना, लोगों को हेल्प करने की भावना, एक टीम प्लेयर होना। देखिए अगर आप लीडर हैं तो फॉलोअर्स होंगे, और फॉलोअर्स होंगे तो आपके पास एक टीम का होना ज़रूरी है और आपके अंदर वो योग्यताएं होने ज़रूरी हैं। जो भी जिस उम्मीद के साथ आपसे जुड़ता है आपकी टीम में, तो उसको उसका कई गुना वापस मिलना चाहिए। तो अगर आप लिवरेज ऑफर कर सकते हैं लीडरशिप के थ्रू अपनी, तो आप एक बहुत शानदार पर्सनालिटी बनाने के बेहद करीब है। तो मैंने दो बातें आपसे करी हैं, सबसे पहले मैंने कहा कम्युनिकेशन स्किल, और दूसरी बात मैंने आपसे करी लीडरशिप एबिलिटी, तीसरी बात मैंने करी आपसे एम्पैथी। तो ये तीनों आपको अपने अंदर डेवलप करना बेहद ज़रूरी है। चौथी बात है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या है? मैं आज बहुत मोटिवेटेड हूँ, अगर मैं ऐसे बोलूँ, और मेरी देखिए मैं ज़बान से जो कह रहा हूँ, जो बोल के कह रहा हूँ कि मैं आज बहुत मोटिवेटेड हूँ, आप इस पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से मैंने जिस एक्सप्रेशन के साथ मैंने बात कही है, आप उस पर ध्यान देंगे और आप यकीन इस बात पे करेंगे कि नहीं मैं मोटिवेटेड हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी लैंग्वेज मेरा साथ नहीं दे रही है। तो आप ये समझिए कि जब भी आप किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका साथ देनी चाहिए। जो भी आप कह रहे हैं, जिस भी फीलिंग को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल वैसी होनी चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज कभी भी अशिष्ट नहीं होनी चाहिए, एक सभ्य बॉडी लैंग्वेज हो और आप जो भी कह रहे हैं उसको सपोर्ट करती हो, तो ये आपकी पर्सनालिटी में निखार लाती है। अब अगर आप अपनी पर्सनालिटी को और भी अच्छा करना चाहते हैं, तो मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है, अल्टीमेट पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है ये, और करीब 2.25 घंटे का कोर्स है। अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो बहुत आसानी के साथ थोड़ी सी मेहनत करके आप अपनी पर्सनालिटी को उस लेवल तक ले जा सकते हैं जिस लेवल तक आप उसे ले जाना चाहते हैं, और वो सफलता अट्रैक्ट कर सकते हैं जो सफलता आप अपने जीवन में चाहते हैं।